विधानसभा चोणां पहले पड़ा दे लई वोटिंग जारी है। पोलिंग बूथां दे बाहर लगियां ने लंबियां लंबियां कतारां। पहले पड़ा दे विच 24 सीटां ते होवेगी वोटिंग। सो पहले पड़ा दे विच 7 जिलियां दियां 24 सीटां ते वोटिंग हो रही है। 24 सीटां दे लई मैदान दे विच 219 उम्मीदवार उतारे गए ने। शाम 6 बजे तक पैणगियां वोटां। 370 हटाउण तों बाद पहली विधानसभा चोणां ने जम्मू कश्मीर दे विच 10 साल बाद हो रहीयां ने चोणां। वोटिंग दे लई 3276 पोलिंग बूथ भी बनाए गए ने। सो वोटिंग दे मद्देनजर जम्मू कश्मीर दे विच सुरक्षा दे सख्त प्रबंध भी किए गए ने। सो वोटिंग प्रक्रिया जारी, आज तो शुरू हुई है वोटिंग। पहले पड़ा दी वोटिंग है जिहड़ी कि शाम 6 बजे तक होवेगी। 7 जिलों में 24 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चोणां जिहड़ी कि 10 साल बाद हो रही है, 370 हटाने तो बाद पहली बार यह विधानसभा चोण हो रही है जम्मू कश्मीर दे विच। सो पहले पड़ा दे लई वोटिंग जारी है। इस दे नाल ही जम्मू कश्मीर के पोलिंग बूथा के बाहर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए ने। कैसे लोग निकले थे 10 साल के बाद असेंबली, कैसे देख रहे सर? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जो जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लें, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, हर जगह हमारे लोग हैं और जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फिलहाल जो मैंने अपने साथियों से मौके पर बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमने देखा कि बुजुर्ग, बूढ़े, छोटे सब निकल रहे हैं सर। नहीं, अच्छी बात है। अब 10 साल से हम इस दिन का इंतजार करते आए। हमें तो समझ में नहीं आता कि 18 के बाद हमें इतनी देर जमहूरियत से अलग क्यों रखा गया, हमारा हक हमसे छीना क्यों गया। मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हैं। हमने कोशिश की कि मुद्दों के हवाले से हम लोगों से बात करें और उन्हें बताएं कि अगर 5 साल के लिए उन्होंने हमें अपनी कीमती वोटों से नवाजा तो हम उनके लिए क्या करेंगे, और 8 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे। लेकिन अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं अच्छी आ रही हैं। सर, जो अभी नहीं निकले उनके लिए मैसेज? कि निकले, बाहर आए, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने उम्मीदवार को चुनें और सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज तो कम से कम, चलो शुक्र है, एक इंटरव्यू के हवाले से इंजीनियर रशीद साहब ने अपने ऊपर पर्दा हटा दिया है। उसने खुद कहा है कि उसके दरवाजे किसी के लिए भी खुले हैं। मतलब ये कि कल को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो बीजेपी की मदद करेगा। इंजीनियर रशीद साहब अब जमात के साथ इलेक्शन मिलकर लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इंजीनियर रशीद साहब के दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं तो जमात के भी दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। ये अपने आप में एक चिंता है और लोगों को इस पर सोच के अपना वोट इस्तेमाल करना। 11% वोटिंग